नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर सुहासिनी वाजपेयी शुक्ला आप सभी का NIOS स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। आज के इस चर्चा सत्र में हम विकास की अवस्थाओं की उपादेयता और शिक्षक की भूमिका के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने पहले चर्चा सत्रों में ये जाना कि एक बालक विकास की प्रक्रिया में विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ सर्वांगीण विकास की तरफ अग्रसर होता है। विकास की वे अवस्थाएं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था किस प्रकार शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है एवं इन अवस्थाओं का ज्ञान, इन अवस्थाओं की विशिष्ट गुण किस प्रकार एक शिक्षक को अपनी कक्षा में उचित रूप से शिक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में मदद करते हैं, आज हमें इस विषय में चर्चा करनी है। मानव विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बालक के विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जन्म के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तक क्रमशः चलती रहती है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि विकास की प्रक्रिया का एक सतत क्रम होता है और वह शैशवावस्था से पूर्व भी गर्भावस्था से प्रारंभ होकर बाल्यावस्था और किशोरावस्था से होते हुए निरंतर आगे चलती रहती है। जब बालक शिक्षा के माहौल में होता है, शैक्षणिक परिस्थितियों में होता है, तो एक शिक्षक के लिए यह अत्यंत आवश्यक होता है कि बालक जिस विकास अवस्था में है वहाँ पे उस विकास अवस्था के अनुरूप उससे किस प्रकार के व्यवहार कौशलों की अपेक्षा की जाए इसका ज्ञान उसे होना चाहिए। एक सफल शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसे अपने विषय का संपूर्ण एवं स्पष्ट ज्ञान होने के साथ साथ शिक्षार्थी के विषय में भी समुचित ज्ञान हो। शिक्षार्थी के विषय में जानने के लिए शिक्षक को उसकी अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में तथा इनके परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों को जानना अति आवश्यक है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि यदि एक शिक्षक अपने विषय ज्ञान में निपुण है तो साथ ही साथ जब वह शिक्षार्थी के वृद्धि एवं विकास के बारे में भी परिचित होगा तो वह उन शिक्षार्थियों के बाल मनोविज्ञान को जानते हुए उनकी आवश्यकता अनुसार शिक्षण अधिगम के अनुभव उपलब्ध कराने में सक्षम हो पाएगा। विभिन्न अवस्थाओं में चाहे वह शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो या किशोरावस्था हो, अधिगम की प्रक्रिया बदलती रहती है तथा उसका स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। शैशवावस्था में बालक यदि प्रमुख रूप से अनुकरण पद्धति, रटने पद्धति पर ध्यान देता है तो बाल्यावस्था में वह उसके अंदर कुछ तर्क क्षमता, कुछ निर्णय क्षमता का विकास हो जाता है। धीरे धीरे जैसे वह किशोरावस्था की तरफ जाता है तो उस बालक में विभिन्न प्रकार की उच्च मानसिक योग्यताओं का विकास हो जाता है जिससे उसके शिक्षण अधिगम का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाता है। इसलिए एक शिक्षक के रूप में यह जानना आवश्यक है कि बालक विकास की जिस अवस्था में है उस अवस्था की मुख्य विशेषताओं को जानते हुए अधिगम के स्वरूप का निर्धारण किया जाए। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में यदि हम अधिगम की प्रक्रिया को देखें तो सबसे पहले शैशवावस्था के चरण की बात करते हैं और शैशवावस्था में अधिगम की प्रक्रिया में सीखने में तीव्रता दिखाई देती है, सीखने का क्षेत्र व्यापक होता है, मानसिक क्षमताओं में तीव्रता होती है, बच्चे में दोहराने की प्रवृत्ति देखी जाती है, बच्चों में जिज्ञासा प्रवृत्ति की प्रबलता होती है तथा उनके द्वारा
संवेगों का प्रदर्शन मुक्त रूप से किया जाता है। तो यदि हम शैशवावस्था के अधिगम के विषय में चर्चा करते हैं तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था में अधिगम के लिए इसे सीखने का आदर्श काल कहा है। मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होना होता है उस मानसिक विकास की लगभग आधी उपलब्धि शैशवावस्था में प्राप्त कर ली जाती है। तो अब यह समझने की बात है कि यदि शैशवावस्था सीखने के लिए आदर्श काल है और बालक का मानसिक विकास और सीखने के गुण में इस अवस्था में तीव्रता देखने को मिल रही है, तो एक शिक्षक के रूप में हमारा दायित्व है कि हम उस विकसित होते हुए बालक को उचित वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास करें जिससे वह अपना सर्वांगीण मानसिक एवं ज्ञानात्मक विकास करने में सक्षम हो सके। शैशवावस्था में अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ पर बच्चे में दोहराने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। उसे प्रत्येक सीखी हुई चीज़ को बार बार दोहराने में आनंद की अनुभूति होती है। इस आधार पर ही शैशवावस्था में ये प्रयास होने चाहिए कि विभिन्न ज्ञान युक्त उन्हें कविताएं दोहराने को लिए दी जाएं, उन्हें विभिन्न प्रत्ययों को सिखाया जाए। इसके साथ साथ शैशवावस्था में बच्चे के अंदर जिज्ञासा प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। वह बार बार किसी भी नई चीज़ या नई परिस्थिति को देखकर उसके विषय में पूछता है। प्रायः यह देखा गया है कि शिक्षक बच्चे की इस जिज्ञासा प्रवृत्ति को निरंतर खत्म करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब भी कोई बच्चा अपनी जिज्ञासा प्रवृत्ति के द्वारा विभिन्न प्रश्नों को शिक्षकों के सम्मुख रखता है तो वह या तो उत्साह के अभाव में या समय के अभाव में उस बच्चे को डांट कर हतोत्साहित करने का कार्य करते हैं। किंतु यहाँ इस विषय को ध्यान में रखना है कि शैशवावस्था में बच्चे की जिज्ञासा की प्रवृत्ति को संतुष्ट करना एक शिक्षक का दायित्व है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चा जिज्ञासु बने, वह प्रत्ययों को केवल रट कर ना ले बल्कि उनके पीछे क्या और कैसे की जो परिकल्पना है उस परिकल्पना को समझने का प्रयास करे। अंतिम बिंदु महत्वपूर्ण है जिसमें हम कहते हैं कि शैशवावस्था में बच्चे के संवेगों का प्रदर्शन प्रमुख रूप से दिखाई देता है। शैशवावस्था में बच्चा अपने व्यवहार को स्वच्छंद रूप से अभिव्यक्त करता है क्योंकि उसके अंदर नैतिक नियमों का ज्ञान नहीं होता। तो एक शिक्षक के रूप में हमें यह ध्यान रखना है कि शैशवावस्था पर संवेगों को उचित अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए जाएं। एक बच्चे को विद्यालय में एवं समाज में सभी प्रकार की गतिविधियों, चाहे वह शैक्षिक हों, शारीरिक हों या विभिन्न प्रकार के उच्च मानसिक गुणों से संबंधित गतिविधियां हैं, उनका अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। यदि हम बाल्यावस्था में अधिगम की बात करें तो बाल्यावस्था को बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने प्रारंभिक विद्यालय आयु कहा है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करता है। बाल्यावस्था में बाल्यावस्था में अधिगम के स्वरूप में कहीं ना कहीं मानसिक विकास जो शैशवावस्था में तीव्रता के साथ होता था उसमें स्थिरता देखने को मिलती है। एक बालक जो शैशवावस्था से बढ़ता हुआ बाल्यावस्था की ओर अग्रसर हुआ है उसके मानसिक विकास में एक स्थिरता विकसित हो जाती है और मानसिक योग्यताओं में वृद्धि भी देखी जाती है। शैशवावस्था की तुलना में बालक यहाँ कुछ
उच्च मानसिक योग्यताओं से युक्त हो जाता है। शैशवावस्था की तरह ही बाल्यावस्था में भी बच्चे में जिज्ञासा की प्रबलता होती है। वह अपने परिवेश में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं, विभिन्न परिस्थितियों के बारे में निरंतर शिक्षकों, अपने माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों से पूछता रहता है। बाल्यावस्था के बालकों में रचनात्मक कार्यों में विशेष प्रकार की रुचि देखने को मिलती है। वह विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप जैसे कागज के सामान बनाना, विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनाना आदि में विशेष रुचि लेते हैं। बाल्यावस्था की अवस्था में बच्चों में जब वह सामाजिक परिवेश में विकसित होते हैं तो सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता भी देखने को मिलती है। बच्चे समूह में रहकर कार्य करने में आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि इस अवस्था में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। इसलिए एक शिक्षक के रूप में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम बच्चे को समूह में कार्य करने के अवसर प्रदान करें। यदि बच्चे को समूह में कार्य करने के अवसर प्रदान किए जाएंगे तो निश्चित रूप से उसका विकास उचित रूप से होगा। बाल्यावस्था का एक प्रमुख कार्य बच्चों में संग्रह प्रवृत्ति का देखा जाना भी होता है। उनके अंदर यह गुण होता है कि वो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करते हैं। बाल्यावस्था में बच्चों की रुचियों में भी लगातार परिवर्तन होता रहता है। एक बालक अपने विकास के इस चरण में कभी एक विषय पर रुचि रखता है तो कुछ ही समय बाद उसकी रुचि में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। इसलिए एक शिक्षक के रूप में हमारा ये दायित्व होना चाहिए कि यदि बच्चे की रुचियों में परिवर्तन है तो उसकी रुचियों के हिसाब से उसे उपयुक्त शिक्षण अधिगम अनुभव प्रदान किए जाएं। यदि हम बात करते हैं कि किशोरावस्था में अधिगम का स्वरूप कैसा होता है, तो किशोरावस्था को मनोवैज्ञानिकों ने समस्यात्मक अवस्था का भी नाम दिया है। इस अवस्था में बालक में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं और वह एक संक्रमण की अवस्था में होता है। ना तो वह बालक बाल्यावस्था का बालक रह जाता है, ना ही वह एक प्रौढ़ावस्था का व्यक्ति बनता है। वह एक संक्रमण की अवस्था में होने की वजह से विभिन्न समस्याओं से ग्रसित रहता है। वह समस्याएं उसके शारीरिक विकास में तीव्रता एवं उसके मानसिक शक्तियों के अधिकतम विकास के कारण भी उत्पन्न होती हैं। किशोरावस्था में अधिगम के संबंध में सबसे प्रमुख बात यह है कि इस अवस्था में किशोर की स्मरण शक्ति में वृद्धि हो जाती है। किशोर विभिन्न प्रत्ययों को स्मरण करने में सक्षम हो जाता है। इस अवस्था में उच्च मानसिक योग्यताओं के रूप में तर्क शक्ति का विकास होता है। किशोर निर्णय एवं समस्या समाधान की योग्यता से परिपूर्ण हो जाता है। वह किसी भी समस्या के लिए उचित रूप से निर्णय ले सकता है तथा उस समस्या के समाधान हेतु विभिन्न प्रकार के निष्कर्षों को समाज के सम्मुख रखने में सक्षम हो जाता है। किशोरावस्था का एक प्रमुख गुण कल्पना एवं दिवा स्वप्न की बहुलता भी होती है। बालक में यह देखा जाता है कि वह कल्पनाशील होता है तथा वह अपनी कल्पना में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के विषय में चिंतन करने में सक्षम हो जाता है। एक शिक्षक के रूप में बालक की इस योग्यता को उपयोग में लाया जाना चाहिए तथा उसके अंदर सृजनात्मक चिंतन संबंधी गुणों का विकास करने हेतु शिक्षकों द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। किशोरावस्था में अधिगम के दृष्टिकोण से किशोरों में
स्थिरता तथा समायोजन का अभाव होना भी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षकों को यह पता होना चाहिए कि किशोर अगर इस अवस्था में है, जो उनके विकास के चरण की एक समस्यात्मक अवस्था है, तो निश्चित रूप से उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि किशोरों में स्थिरता व समायोजन के अभाव के कारण उनको उपयुक्त विकास हेतु उपयुक्त वातावरण दिया जाए। किशोरों के अंदर भी समूह को महत्व देने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए विभिन्न प्रकार की सामूहिक शैक्षणिक गतिविधियों को इस समय शिक्षक द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि हम विभिन्न अवस्थाओं में शिक्षा के स्वरूप पर चर्चा करें, तो सबसे पहले शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार का हो, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। शैशवावस्था में शिक्षा के स्वरूप में सबसे पहले हमें उचित वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। शैशवावस्था विकास की एक ऐसी अवस्था है जहां बच्चे में तीव्र रूप से शारीरिक, गामक, संवेगात्मक, सामाजिक आदि विकास हो रहे होते हैं, तो उन विकास को उचित रूप से संचालित होने के लिए उचित वातावरण उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक होता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि उचित प्रकार पालन पोषण उपलब्ध कराया जाए। यदि हम शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षा उचित रूप से अपने मार्ग पर तभी आगे बढ़ सकती है जब बच्चे को उचित सुविधाएं प्राप्त हों, उसे उचित आहार प्राप्त हो, जिससे उसके समस्त शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों का उचित रूप से विकास हो सके। शैशवावस्था में शिक्षा देने हेतु स्नेहपूर्ण व्यवहार शिक्षकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां पर यदि शिक्षकों का व्यवहार स्नेहपूर्ण रहेगा, तो उस विकसित हो रहे बालक का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उत्साह रहेगा, अन्यथा वह बालक शिक्षा की प्रक्रिया से ही धीरे धीरे अलग होता जाएगा। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि शैशवावस्था में शिक्षा देने हेतु स्नेहपूर्ण वातावरण में रुचिकर ढंग से बच्चे को छोटे छोटे प्रत्ययों के बारे में ज्ञान देना प्रारंभ करना चाहिए, ना कि उन्हें बहुत जटिल प्रत्ययों के ज्ञान को देने हेतु अचानक से कोई अधिगम रूपी बोझ उनके ऊपर डाल देना उचित होगा। शैशवावस्था में जैसे कि बच्चे में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति की संतुष्टि करना एक शिक्षक का दायित्व है। शैशवावस्था में बच्चे के अंदर सामाजिक भावना का विकास किया जाना चाहिए। उस विकसित हो रहे बच्चे को विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाओं के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। यदि हम कहते हैं कि मानसिक विकास हो रहा है, तो मानसिक विकास की प्रक्रिया में अभ्यास एवं त्रुटि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि बालक को मानसिक शक्तियों के विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, तो निश्चित रूप से उसके अंदर उच्च मानसिक योग्यताओं का विकास अच्छे से हो पाएगा। शैशवावस्था में बालक को वार्तालाप के अवसर भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिससे वह अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा कर सके। वार्तालाप के अवसर उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि वार्तालाप की प्रक्रिया द्वारा उस बालक में भाषाई कौशल का विकास अच्छे से हो सकता है। उस विकसित होते हुए बालक को यह धीरे धीरे पता चलता है कि वह अपने अनुभवों, अपनी परिस्थितियों को किसी दूसरे के सम्मुख किस प्रकार भाषा का प्रयोग करके प्रभावी रूप से रख सकता है। शैशवावस्था में आत्म प्रदर्शन के अवसर भी शिक्षकों द्वारा बालकों को उपलब्ध कराए जाने चाहिए। किसी भी बालक में किस प्रकार की योग्यताएं निहित हैं, उसे किस प्रकार के वातावरण को उपलब्ध कराना आवश्यक है, यह जानने के लिए इस अवस्था में
बच्चों को आत्म प्रदर्शन के अवसर भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। शैशवावस्था में अच्छी आदतों का निर्माण किया जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह ऐसी अवस्था है जिनमें बच्चे में जिन आदतों का निर्माण हो जाता है वह उसके जीवन पर्यंत स्थायी हो जाती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि बच्चे इस अवस्था में बुरी संगतों से दूर रहें तथा अच्छे एवं स्वस्थ परिवेश में विकसित हों। शैशवावस्था में विकसित हो रहे प्रत्येक बालक का विकास किसी दूसरे बालक से बिल्कुल भिन्न होता है। इसलिए एक शिक्षक के रूप में यह भी आवश्यक है कि आप उन विकसित हो रहे बच्चों के वैयक्तिक विभेदों पर ध्यान दें एवं प्रत्येक बच्चे की योग्यता एवं आवश्यकता के अनुरूप उचित शिक्षण अधिगम अनुभव प्रदान करने का प्रयास करें। इस अवस्था में बच्चे को करके सीखने के अवसर देने चाहिए। यदि बच्चा किसी भी प्रत्यय को करके सीखेगा तो निश्चित रूप से वह ज्ञान अधिक स्थायी होगा और वह उस बच्चे के लिए उसके संपूर्ण जीवन में एक अनुभव के रूप में कार्य करेगा। यदि हम बाल्यावस्था में शिक्षा के स्वरूप पर चर्चा करें तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा प्रदान करने का होना चाहिए। बाल्यावस्था में एक बच्चा एक किशोर के रूप में विकसित हो रहा होता है, इसलिए उसके शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इस अवस्था में बच्चा विभिन्न प्रकार के गामक कौशलों में शक्ति, समन्वय एवं गति को विकसित कर रहा होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि इस अवस्था में विकसित हो रहे बालक को खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा प्रदान की जाए। इस अवस्था में बच्चे के भाषा विकास पर भी बल दिया जाना आवश्यक है। बाल्यावस्था में जब बालक होता है तो उस समय वह निरंतर नए नए शब्दों को सीखकर अपने शब्दकोश में अभिवृद्धि करता है और यदि इस अवस्था में भाषा विकास पर उचित ध्यान दिया जाए तो उसके अंदर उचित भाषाई कौशल विकसित हो जाता है। बाल्यावस्था में पाठ्य सामग्री को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। साथ ही साथ यदि बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति है तो उस प्रवृत्ति की संतुष्टि शिक्षकों द्वारा की जानी चाहिए। बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर यह गुण होता है कि वह समूह में कार्य करने में आनंदित अनुभव करता है, इसलिए उसे सामूहिक प्रवृत्ति की संतुष्टि के लिए समूह में कार्य करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। शिक्षक को विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट कार्य, सामूहिक गतिविधियाँ, क्षेत्र भ्रमण संबंधित कार्यों को अपनी शिक्षण अधिगम पद्धति में प्रयोग करना चाहिए, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। इस अवस्था में बच्चों में रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था की जानी चाहिए। बच्चे के अंदर रचनात्मक कौशल का विकास होता है, वह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संचय करता है, तो संचय प्रवृत्ति का प्रोत्साहन करने हेतु एक शिक्षक के रूप में आप उसे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करने के लिए कार्य दे सकते हैं। जैसे बच्चों को विभिन्न प्रकार की प्रचलित डाक टिकटों, विभिन्न प्रकार के प्रचलित मुद्राओं आदि के संग्रह करने की प्रवृत्ति के विषय में प्रोत्साहित किया जा सकता है। बालक को इस अवस्था पे सामाजिक नियमों एवं मान्यताओं के हिसाब से नैतिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। उसके मानसिक विकास पर बल दिया जाना चाहिए। यदि हम किशोरावस्था में शिक्षा के स्वरूप पर चर्चा करें तो यहाँ पर शिक्षा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास के लिए होनी चाहिए, क्योंकि किशोरावस्था में बालक जिस समय होता है वह अपने समाज,
अपने परिवेश, अपने बदलती समाज शारीरिक संरचनाओं से संघर्ष कर रहा होता है। इसलिए इस अवस्था में शिक्षा का स्वरूप शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं विकास के अन्य पक्षों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे बालक में अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। इसलिए इस अवस्था पे उचित रूप से धार्मिक तथा नैतिक विकास के लिए शिक्षा प्रदान किया जाना भी आवश्यक है। प्रत्येक किशोर अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं में किसी दूसरे से अलग होता है, इसलिए शिक्षा का स्वरूप वैयक्तिक विभेदों के अनुरूप होना चाहिए। किशोरावस्था में यौन शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा यौवनावस्था की ओर अग्रसर होता है, अतः उसे इस विषय पर उपयुक्त शिक्षा प्रदान किया जाना शिक्षकों का दायित्व है। किशोरों के प्रति व्यवहार वयस्कों जैसा होना चाहिए, जिससे उनके अंदर आत्मविश्वास एवं आत्म सम्मान जैसे गुणों का विकास हो सके। इस अवस्था में शिक्षकों को उपयुक्त शिक्षण विधियों के प्रयोग से बालकों एवं किशोरों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस प्रकार शिक्षार्थियों, हमने देखा कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं को जानते हुए एक शिक्षक किस प्रकार बालक के विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप शिक्षा एवं शिक्षण का वातावरण तैयार कर सकता है तथा इस प्रकार वह किस प्रकार वह तथा इस प्रकार वह एक बालक के विभिन्न अवस्थाओं में सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित कर सकता है। धन्यवाद।